ये तिल और मावा की डिलीशियस लड्डू बहुत ही हेल्दी हैं। आप इस विंटर अपने बच्चों को ये बना के जरूर खिलाएं। इससे बच्चे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उनका दिमाग तेज होगा और उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तिल और मावा के हेल्दी लड्डू की रेसिपी। चलिए तो फिर शुरू कर लेते हैं ये आज का वीडियो। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम सफेद तिल ले लिए थे, जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया था, धो लिया था और धूप में सुखा लिया था। इसके अलावा लिया है मैंने 150 से 200 ग्राम मावा। ये मावा मैंने घर में ही बनाया है। इसके अलावा लिया है मैंने 1 कप पाउडर शुगर। आप चाहे तो इसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, बादाम, काजू और पिस्ता। आप अपनी पसंद के और भी कोई ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने गोंद लिया है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 2 टेबलस्पून मैंने किशमिश ले ली है। सबसे पहले हम तिल को भून लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे भूनने में। अच्छे से चलाते हुए इन्हें भूनना है, बहुत ज्यादा इन्हें ब्राउन नहीं करना है। जब हल्की हल्की इसमें से खुशबू आने लगे तो बस हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तिल भुन चुके हैं, इन्हें मैं साइड में रख दूंगी और ठंडा होने के बाद इसे थोड़ा सा दरदरा में ग्राइंड कर लूंगी। अब हम मावा भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। ये होममेड मावा है, घर पे ही हम आराम से मावा तैयार कर सकते हैं। इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए, मावा भी हमारा भुन गया है, इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब उसी पैन में 1 टेबलस्पून मैं देसी घी डाल रही हूँ। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम गोंद को इसमें फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसानी से गोंद फ्राई हो जाता है। ये देखिए, गोंद भी फ्राई हो गया है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको भी हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद उसी घी में मैं काजू और बादाम को थोड़ा सा रोस्ट कर लूंगी। काजू और बादाम भी ठीक से फ्राई हो गए हैं, इसमें मैं अब पिस्ता भी ऐड कर रही हूँ और इन सबको अच्छे से एक बार फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स फ्राई होने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। सबसे आखिरी में मैं किशमिश को भी इस तरह से फ्राई कर लूंगी। किशमिश को ग्राइंड नहीं करना है, इसलिए मैं इसे अलग से फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने तिल को दरदरा ग्राइंड कर लिया था, आप देख सकते हैं। थोड़ा मोटा मोटा मैंने इसे पीस लिया है। इसे मिक्सिंग बोल में डाल देंगे और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स भी मैंने दरदरे ग्राइंड कर लिए थे। उसके बाद ये ग्राइंड किया हुआ गोंद मैं इसमें ऐड कर लूंगी। किशमिश डाल देंगे और इलायची पाउडर इसमें डाल देंगे। अब ऐड कर देंगे इसमें शुगर और उसके बाद इसमें मावा भी ऐड कर देंगे। ये सभी इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लड्डू का मिक्सचर एकदम रेडी है। अब हम थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे और धीरे धीरे लड्डू हम बाइंड करेंगे। क्योंकि इसमें मावा डला हुआ है, इसलिए ये लड्डू बहुत आराम से बाइंड हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, बड़े आराम से लड्डू बन रहे हैं। दोनों हाथों की हेल्प से आप इस तरह से लड्डू बना लें। ये देखिए, अगर ये मिक्सचर आपका बहुत ज्यादा ड्राई है और लड्डू आपके बाइंड नहीं हो रहे हैं, तो आप इतने मिक्सचर में 1 से 2 चम्मच गुनगुना दूध मिला लें अच्छे से और उसके बाद लड्डू बहुत आराम से बाइंड हो जाएंगे। तिल मावा के लड्डू बनके एकदम तैयार हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। सो फ्रेंड्स, आंखों की रोशनी तेज करने वाले, दिमाग को तेज करने वाले और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले ये लड्डू आप अपने बच्चों को जरूर खिलाएं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। उम्मीद करती हूँ ये तिल मावा लड्डू की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।